నా గురించి ఏం చెప్పొద్దు, ఇంట్లో గురించి చెప్పు, వంట రూమ్ ఎట్లుంది. Whenever I shared photos to her, she shared all photos to friends. They are very excited and they liked it more. And everyone is asking, we have to come to your home. Yeah. At least we can help her for 1 week. 1 week? Charge them. Okay guys, hi. Welcome to Bruno's home. And we are at Bangalore. Yes, and Bruno wants you to see his home. Come on, Bruno. Unusual welcome from Bruno and me. Come on in. Enter in. आप देखोगे this is the unit. So ये पैनलिंग जो है ये पूरा आप देख सकते हो चारों तरफ क्या है. And this is the IKEA shoe rack. We don't have much space here. तो एक regular shoe rack will not make sense. So Fatima decided to address this. And I feel like it is looking just perfect. ये mirror also is from IKEA. And having two colors is just elevating the space rather than having like a blank space. ये जगह बहुत अच्छी लग रही है. You can see on the ceiling we have the elevated light also. And साथ में same जो molding design हम लोग यहाँ पे run through किया है, same molding design we have on the ceiling. Come on in. This is the grand living space. The moment you come in, you see this लिविंग में आते ही आपको ये एक यूनिट दिखेगा. दिस इज़ अ स्टोरेज यूनिट. आई थिंक वी इनिशियली कंसिडर टू एक्सटेंड द सीटिंग, बट वहाँ तक ही वो काफ़ी था. सो हैविंग अ स्टोरेज हेयर मेक्स मोर सेंस. एंड पीछे जो आप टेक्सचर देख रहे हो, दिस इज़ अगेन अ कॉन्क्रीट टेक्सचर. सो दिस प्रोजेक्ट वी डिडंट एक्चुअली एग्जीक्यूटेड, इट वॉज एग्जीक्यूटेड बाई द क्लाइंट फ्रॉम हिज टीम. एंड बट द डिज़ाइन इज़ फ्रॉम इंडिया माता कंसल्टेंसी. आप यहाँ पर आते ही विल सी द सोफ़ा. दिस इज़ अ आईकेआ सोफ़ा. जब हम लोग आई थिंक डिज़ाइन कर रहे थे तभी वी वर श्योर दैट वी वॉन्टेड टू हैव लाइक अ ग्रे ग्रीन थीम, क्योंकि राजू को वही पसंद था. सो वी फील्ड लाइक हैविंग दिस थीम द ग्रे ग्रीन. एंड ही रियली लाइक द पीच कलर ऑल्सो, विल लुक रियली गुड. सो द कलर्स यू सी विल सी द सटल ग्रीन, विल सी द ग्रेज अलॉट. एंड दिस सोफ़ा जिस ब्लेंडिंग इट रियली नाइसली विद द थीम. ये एक एल शेप सोफ़ा है. यू विल गेट दिस फ्रॉम आईकेआ, वी विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. पीछे जो है दिस इज़ अगेन द ग्रीन कलर दैट वी वर टॉकिंग. ये एक पिस्ता ग्रीन है, बहुत लाइट कलर ग्रीन है. एंड उसके साथ वी हैव जस्ट मेड द आर्ट पीस, सेम आर्ट पीस ये बनाया हुआ है, इट इज़ नॉट परचेस्ड. सो ये जो लाइट है, ये जो वॉल है, ये टेक्सचर वॉल है, उसको एलिवेट कर रहा है. दिस इज़ ऑल्सो कॉन्क्रीट डिज़ाइन, जैसे अपने शायद हमारे पहले प्रोजेक्ट में देखा होगा, दैट वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ग्रे टेक्सचर, कॉन्क्रीट टेक्सचर. लेकिन दिस इज़ मोर रॉ बिकॉज इट हैज़ दिस नेचुरल फील टू इट. एंड वी just love it. Obviously you can see that we love it. Moving on to this part, this is the curtain. These are from IKEA again. And isme gray and same gray and white theme ja raha hai. Coming to this space, this is a frame TV from Samsung. And this looks like a frame obviously. So I'm glad that Raju ne ye selection kiya. The TV unit is very sleek. We didn't want like a really heavy TV unit. So yahan pe ek simple and sleek TV unit banaya gaya hai with enough storage and same design, you know, fluted design going throughout the home.
कमिंग टू दिस पार्ट, देयर इज सपोज टू बी अ डाइनिंग टेबल राइट नाउ बिकॉज दिस इज ब्रूनोज होम एंड एवरीथिंग इज यू नो वेल डिजाइनिंग. वी कंसिडर दिस एंड ऑल्सो राजू इज रियली कंसर्न. तो उसके खेलने के लिए वी आर नॉट कीपिंग एनी डाइनिंग और सेंटर टेबल ताकि वो आराम से यहाँ पे मूव ऑन कर सकता है. एंड यू कैन सी ऑलरेडी, हैव सीन ऑलरेडी, ही इज जस्ट एंजॉइंग हिज न्यू स्पेस अलॉट. दिस इज द मंदिर, वेरी मॉडर्न एंड कंटेम्पररी मंदिर. नीचे काफ़ी स्टोरेज है एंड एज यू कैन सी पीछे वॉलपेपर लगाया हुआ है. अगेन द वाइट थीम बट बाहर द CNC डिज़ाइन मेक्स इट मॉडर्न. लेकिन जब आप अंदर में खोलेंगे दैट इज़ वाइट. अगर आप अंदर खोल रहे हैं सी दिस एंटीक वॉलपेपर विच इज़ जस्ट परफेक्ट. ओके, दिस इज़ द लाइट आई थिंक जो IKEA जा चुके हैं ऑलरेडी, इस लाइट को ऑलरेडी जानते हैं. दिस इज़ यू कैन क्लोज इट if you want, one second I will hold it. Oh, yeah, you can close it and open it as per your requirement. This is a very cool light, bahut famous hai. Agar aap IKEA ja chuke hai to aap dekh sakte hai. Welcome to the kitchen guys. You tell me that kitchens are not like something that we focus on, but as you can see this is looking just wonderful. कलर थीम अगेन जो ग्रीन एंड ग्रे एंड बेज कलर थीम है उसी के ऊपर किया गया है. ये एक्रेलिक फिनिश है इन ग्रीन कलर. एज यू कैन सी यहाँ पे भी ओवर हेड, काफ़ी ओवर हेड स्टोनेज है एंड दिस इज हाइड्रोलिक. काउंटर टॉप जो है दिस इज इन क्वार्ट्ज, पीछे टाइल्स लगी हुई है. एंड इफ यू कम टू दिस स्पेस ऑल्सो वेरी वेल यूटिलाइज आई वुड से. पीछे भी पूरी स्टोरेज बनाई है. ओवर दो ऑल दो द कलर इज़ ग्रीन एंड ऑफ वाइट एंड बेज, आपको ये ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा. अगेन द एग्जीक्यूशन वॉज फ्रॉम द क्लाइंट, सो वी हैव अ वीकर बास्केट हेयर. आप स्क्रीन में भी एक्चुअल डिज़ाइन देख सकते हो, सो दैट इन फ्यूचर अगर आपको कुछ ऐसे डिज़ाइंस करना है यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस स्पेस. इज वी हैव गिवन इनफ स्पेस कि अगर फ्यूचर में बड़ा उनको फ्रिज लेना है सो दे कैन डू इट. दिस इज़ द एग्जिस्टिंग फ्रिज जो अभी फ़िलहाल वो यूज़ कर रहे हैं. सो दिस इज़ द स्पेस जहाँ पे इनिशियली वी थॉट वी विल हैव अ वॉशिंग मशीन, बट लेटर ऑन हमें यहाँ पे स्पेस प्लम्बिंग की जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट करने नहीं मिली. सो वी हैव लॉन्ड्री स्पेस हियर एंड एक्स्ट्रा स्टोरेज. वेलकम टू द मास्टर बेडरूम. एंड आपने कार्तिक का भी रूम देखा था एंड यू सी दिस रूम ऑल्सो ह्यूज शिफ्ट इन डिज़ाइन. एंड वाई इंटीरियर माता, बिकॉज वी actually focus on good designing and ये बहुत important है क्योंकि हर client की requirement अलग होती है. So Raju wanted a like grey and white theme for his home and being a bachelor I know, I think most of the people who are watching this video, I think this is going to be bachelor specially, this is going to be your dream bedroom क्योंकि you can see the fluted wardrobe. नीचे हम लोगों ने shoe rack के लिए space दिया है. This is a fluted wardrobe and very well made wardrobe I would say. इसकी जो चैनल है ये भी सॉफ्ट क्लोजर है, नॉट शो यू, अंदर से भी लाइट है. एंड वी हैव दिस बेड, वेरी वेल मेड बेड. दिस इज ऑल्सो कस्टमाइज ऑन साइट. आई थिंक इफ यू कैन सी द डिज़ाइन 3D में इट लुक्स एज इट इज. लेट्स टॉक अबाउट दिस स्पेस ऑल्सो. This is fully made with client's requirement because he does work from home. So I remember unki requirement mein ye thi, he needed enough storage. So we have enough storage. This is again a very, I would say, manly design. Kyunki logo ko, he is a bachelor and unko aise cheeze chahiye jab wo, it should reflect who he is. So I think ye space jo hai kafi personalized hai according to his requirement. And it is really different, you know, from the designs usually we make. And I loved how Fatima actually planned it. Upar mein bhi kaafi storage hai. This is a fluted panel. Duko kiya gaya hai yahan pe bhi. And we have enough storage. And har shelf ke niche hum logo ne alag se light diya hai. Moving to this space. This is a very... मैं height kya kar sakte hai.
दिस इज अगेन अ स्टोरेज, एक्स्ट्रा स्टोरेज दैट वी हैव प्रोवाइडेड, एंड उसके साथ साथ ये एक विंडो है, क्योंकि ये हाइटेड, अगर आपके पास फ्रेंच विंडो है तो ऑब्वियसली डोंट प्लान फॉर सिटिंग लाइक दिस, लेकिन आपकी अगर विंडो थोड़ी हाइटेड है यू कैन डेफिनेटली प्लान फॉर अ सिटिंग लाइक दिस. सो दिस इज़ द आंटीज रूम एंड दिस इज स्टिल इन मेकिंग. सो यहाँ पे ये वार्डरोब है, एंड जैसे हमारे सबके घर में पुराना एक आयरन अलमीरा होता है, इनके घर में भी था, दे वॉन्टेड टू यूटिलाइज इट. सो वॉट वी हैव डन इज़ वी हैव यूटिलाइज द डेप्थ, एंड इस पर यह आयरन अलमीरा रखा है. दिस वे यू हैव योर अलमीरा एंड यू डोंट लूज इट, बट सामने से यू हैव द वार्डरोब. Cool, right? And this is a sliding wardrobe. Moving towards this space, we have again the color is pink, peachish pink. This is again a table which can be, if needed, which can be folded down. And हमने ये ऐसे ही plan किया था considering the space constraint in this room. And we have a mirror here. पीछे ये डुको किया गया है एंड इसमें भी सेम फ्लूटर पैनल डिज़ाइन गया है. एंड ओवरऑल दिस रूम इज दिस. इस साइड में दिस साइड राइट नाउ बिकॉज उनकी सिस्टर यहाँ पे नहीं रह रही है, सो दे हैवन्ट प्लेस्ड अ बेड येट. ये मेनली ब्रूनो का डेन होता है, वो यहाँ पे ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है. एंड ऑब्वियसली द कलर कम्बिनेशन आफ्टर यू नो द पिंक इज़ अ टैबू कलर इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग. लोग नहीं पसंद करते हैं पिंक, बट यूजिंग पीच एंड पिंक ऑल्सो यू कैन सी द रूम इज़ लुकिंग क्वाइट स्पेशियस. एंड इफ यू आर अ टीन एंड इफ यू लाइक पीच कलर्स एंड पिंक कलर्स, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद दिस कम्बिनेशन. एंड अ वाइट विथ पीच एंड पिंक ऑलवेज गोज वेल. सो विद दिस वी आर फिनिशिंग दिस वीडियो. यू हैव सीन थ्री डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन थ्री डिफरेंट सिटीज, एंड सारे 2 BHK थे, बट द रिक्वायरमेंट्स वर डिफरेंट, द डिज़ाइंस वर डिफरेंट. सो इन केस यू आर ट्राइंग टू रीच आउट टू अस, हेयर इज़ अवर फ़ोन नंबर एंड हेयर इज़ अवर ईमेल ID, एंड हमारी वेबसाइट www.interiormata.com में भी आप विजिट करके सारे डिटेल्स जान सकते हो. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा वीडियो सबसे अच्छा लगा, कौन सा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा लगा, एंड आई वॉन्ट टू नो हु इज़ विनिंग. दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल. बाय यहाँ से, बाय, लव यू ऑल फ्रॉम रूम.